और पिता, क्या मैं अच्छे टैरो रीडर बन सकती हूँ? कितनी संभावना है? अच्छे टैरो रीडर से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अर्पिता की हमने अच्छाई के जो हैं, जैसे हमें अच्छाई के लिए जो है ना, ये एक तरह से जो है क्राइटेरियाज दिए गए हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो हैं क्राइटेरियाज जो हैं हमें दिए गए हैं। और अगर हम उन क्राइटेरियाज को सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि आपको किसी ने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी ने बोल दिया ये काम अच्छा है, ये करना चाहिए, जैसे पड़ोसियों को प्यार करना चाहिए, अपने पड़ोसियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी पड़ोसी जो है आपका, कहीं ना कहीं अंदर से आप उसको दुश्मनी करते हो, दुश्मनी है आपके अंदर उसके लिए जो है एक घृणा है, लेकिन आप ऊपर से एक ऐसा चेहरा बना रहे हो, आप अपने आप को इस तरह से दिखा रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे एक स्थिति बनती है कि हम कहीं ना कहीं ईमानदारी जो है अपनी नहीं शो कर रहे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जो है, अगर आपको उसके लिए जो है घृणा है तो आप उसको घृणा दिखाएं, मेरा मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे अंदर जो चलता है, जो क्योंकि जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न कुछ ऐसा है कि अच्छा कैसे, अच्छा टैरो रीडर कैसे बने, तो सबसे पहले वो अच्छाई अपने अंदर पहले वो क्रिएट किए जाए, उसके बाद फिर वो अच्छा टैरो रीडर भी जो है वो क्रिएट हो पाता है। और अच्छा कैसे, कि सबसे पहले जो है अपने अपने होने को जीना है। अपने होने को जीने का मतलब हुआ कि वहाँ पे मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, उसका जो है पूर्ण स्वीकार, और उस स्वीकार के साथ अपने आप को जो है देख लेना कि मैं इस तरह के व्यक्ति हूँ। और एक बारी जो है जब हम अपने आप को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम जो हमारा जो एक्ट जो क्रिएट होता है, जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो एक ऑनेस्टी के साथ जो है वो क्रिएट होती है। जब जीवन जो है ऑनेस्टी से निकलता है, वो अच्छा ही होता है। जिसका ये अर्थ हुआ कि फिर अगर कोई अपनी ईमानदारी को जो है फॉलो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अच्छे के रास्ते पे है। जब हम बात कर रहे हैं कि अपनी ऑनेस्टी को फॉलो करना, अपनी ऑनेस्टी को फॉलो करने का मतलब हुआ अपनी सच्चाई को फॉलो करना, अपनी सच्चाई को फॉलो करने का मतलब हुआ कि अब जीवन में जो भी हमारा होना है हम उसको जी रहे हैं, और वो जीना कुछ ऐसा है, वो होना कुछ ऐसा है कि धीरे धीरे सारी की सारी जो नेगेटिविटीज भी जो है उसको भी हम कहीं ना कहीं जी रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं उसको जो है उससे गुजर रहे हैं, और उससे गुजर के धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज बनती है कि जिसको हम नेगेटिविटीज भी बोलते हैं, वो भी हमारी लाइफ से जो है जाना शुरू हो जाती है। जीवन में एक अपने आप जो है एक रिलैक्सेशन घटनी शुरू होती है, जहाँ पे हम अपने आप ही एक वो जो एक संघर्ष जो चलता है अच्छा होने का, वो चला जाता है, एंड यू सिंपली बिकम ऑनेस्ट, कि आप सिंपली जो है अपनी लाइफ को वो उस तरह से जी रहे हैं जिस तरह से आप होना चाहते हैं, जिस तरह से आप हैं, और उस होने के अंदर बहुत नेचुरली आपकी ऑनेस्टी से जो भी निकलेगा वो अच्छा ही होगा। और फिर जब आप किसी की टैरो रीडिंग करेंगे, तो फिर उसका अपने आप ही जो है एक ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को जो है आप वो एडवाइस देंगे जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि आपके एक्सपीरियंस से आई है, जो कि आप किसी टेक्स्ट बुक को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं,
आपको जो फील होता है, जो आपके जीवन का अनुभव है, वो आप उस व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जब आप किसी को जो है अपनी जीवन से गाइड करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को इस तरह से गाइड करते हैं कि ये व्यक्ति जो है मुझसे जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति को जो है ये व्यक्ति कुछ ऐसा है जैसे कि ये मेरा, जैसे कि मैं इसकी माँ हूँ। और एक माँ जो है जैसे अपने बच्चे को गाइड करती है, जैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, जैसे उसको जो है पूरा उसको नरिशमेंट देती है, वो ही एटीट्यूड जो है कहीं ना कहीं रीडिंग में भी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को गाइड करोगे तो उसको आप ऐसे ही कुछ नहीं बोल दोगे। आप जब उसको गाइड करोगे तो आपकी आपकी बात के अंदर जो है कुछ ना कुछ प्रेम होगा, पीछे छुपा हुआ होगा, एक अच्छी इंटेंशन छुपी हुई होगी। तो जब हम इस इंटेंशन से काम करते हैं तो बड़ा नेचुरली जो है एक अच्छा घटना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में, और अच्छा आपने देना शुरू कर दिया। जब भी सच दिया तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही दिया। जो आपका प्रश्न है कि क्या आप अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं, तो वहां से ये रास्ता शुरू होता है अपनी ऑनेस्टी से, अपनी लाइफ को ऑनेस्टली जीने से, अपने होने से। और जितना आप ऑनेस्ट हो जाएंगे अपनी लाइफ के प्रति, जो है पूरी तरह से ईमानदार हो जाएंगे और उस ईमानदारी के साथ को जो है दूसरे को शेयर करेंगे, तो बहुत नेचुरली जो है आप अच्छा उसको दे रहे हैं, तो आप अच्छे टैरो रीडर बनते हैं। आप उसके बाद फिर ये भी बोलते हैं कितनी संभावना है, सारी संभावना आपके ऊपर डिपेंड करती है, सारी संभावना आपके ऊपर है कितना आप जो है उस अपने होने को जो है जी पाते हैं। शुरुआत में जो वीडियो में मैंने भी ये बात कही कि एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप बिल्कुल वो हो जाए जो आप हैं, कि पूरी तरह से ऑनेस्ट हो जाए, पूरी तरह से जो है ईमानदार हो जाए इस थोड़े से जो मोमेंट्स हैं इस सेशंस की, कि इसमें अब किसी भी तरह का प्रिटेंशन नहीं रह गया, किसी भी तरह का जो है दिखावा नहीं रह गया। अब आप सिंपली जो है अपने होने को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो सारी संभावना आपके ऊपर है अर्पिता, कि आप इस संभावना को जिएंगे कि नहीं जिएंगे। जब आप उस संभावना को जीना शुरू करते हैं तो बहुत नेचुरली जो है आपके जीवन में एक ईमानदारी आती है, और ईमानदारी के साथ अच्छाई अपने आप आती है। जिसको हम नेगेटिव भी बोलते हैं वो भी हमारे जीवन से जाना शुरू हो जाता है, जितना जो है हम अपने सेंटर के थ्रू जो है काम करना शुरू करते हैं। तो ये सारी संभावना हमारी खुद की है। जिस दिन हम उस संभावना को समझते हैं तो अच्छाई जो है हमारे जीवन में प्रवेश करती है, और उसी अच्छाई को जो है हम दूसरे से बांटते हैं। आप वही दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे को बांट सकते हैं जो आपने अपने जीवन में जो है पाया है। अगर कुछ अच्छाई जो है अगर आपने किसी को देनी है, तो सबसे पहले वो अच्छाई जो है आपको अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, और फिर बड़ा नेचुरली जो है फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फिर कहना नहीं पड़ेगा कि मैं अच्छा टैरो रीडर कैसे बनूं। फिर अच्छाई जो है जब आपके अंदर आपका एक बाय प्रोडक्ट हो जाती है, कि फिर आप जो करते हैं उसमें अच्छाई ही होती है। तो उसके होने अपने होने को फॉलो करो, अच्छाई घटेगी, अच्छाई बटेगी।